बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके Adobe Premiere पर mfplate.dll का एरर आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पर। गूगल पर आपने जो एरर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले दे रहा है, आपने उस एरर को लिख लेना है mfplate.dll। लिखने के बाद इसको आपने सर्च करना, तो ये पहली ही फाइल आ गई मेरे पास, ठीक है। इसको आपने, अगर आपने 64-bit सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है तो 64-bit सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, अगर आपने 32-bit किया हुआ है तो 32-bit की फ़ाइल आपने डाउनलोड करनी है। तो यहाँ से मैंने 64-bit की ये फ़ाइल जो मिसिंग थी mfplate, इसे मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करवा लेना है, क्योंकि ये जिप फॉर्म में आपको मिलेगी। इसको ओपन करवाया, अभी इसको आपने एक्सट्रैक्ट करवाना है। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर, ये हमारे पास फाइल आ गई। ये इंस्ट्रक्शन है, इसमें से आपको पता चल जाएगा कि आपने ये कहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। ये इसने इंस्ट्रक्शन दी है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जाना है आपने माई कंप्यूटर के अंदर सी पार्टीशन के अंदर, उसके बाद विंडो के अंदर सिस्टम 32, ठीक है। सिस्टम 32 के अंदर आपने इसको पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो अब हम Adobe Premiere को चलाते हैं, तो ये देखें आपका वो एरर ख़त्म हो चुका है। ये था सिंपल सा तरीका एरर को ख़त्म करने का। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।